राम राम जी सारा ने, तो कैसे हो सारे। तो गाइस स्वागत है आप सभी का मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी फिलहाल कितना टाइम हो रहा है, अभी फिलहाल बज रहे 7 बजे हो रहे हैं और कल की शिवरात्रि है तो भोले बाबा की जय हो सबसे पहला तो। और आज हमारे गांव में जागरण है तो जागरण में जावांगे, जागरण का ब्लॉग रहेगा, गाँव का रहेगा सारा प्रॉपर ब्लॉग। तो ब्लॉग में बने रहना और पिछला ब्लॉग किसा लग गया था और नेक्स्ट ब्लॉग का एक बार मेरे को टॉपिक जरूर बताना भी मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। रेगुलर ब्लॉग रहेंगे अपने, जो भी आपने पूछना हो फैमिली के बारे में पूछो, कुछ भी पूछना हो तो मैं जरूर बताऊंगी, आप कमेंट में बता देना। तो अभी मेरे को एक थोड़ी सी प्रमोशन करनी है, मैं वो कर लेती हूँ, फिर आप खाना पीना करके रोटी वगैरह मैंने बना दी, दे लो मैं इतनी जल्दी बना देती हूँ 7 बजे। फिर आप जाएंगे अपने मंदिर में जो जागरण है, जागरण सुनेंगे भोले बाबा का, सावन का महीना है ठीक है। तो एक बार कमेंट में जरूर लिख देना भोले बाबा की जय हो ठीक है, हर हर महादेव लिख देना ठीक है। तो अभी मैं प्रमोशन कर लूँगा छोटी सी आंचल के साथ और फिर मिलते हैं आगे ब्लॉग में ठीक है। बने तो गाइस मैं तैयार हो गई हूँ, रात के बज गए 10 बज गए शायद। तो अभी जा रहे हैं भाई मंदिर में, फिर चौक में है, मतलब गांव के चौक में एक रखे है और ये बिग बॉस देखने लग रहे हैं। किसके किसके सपोर्ट में था तू बता रही, किस सपोर्ट में था, किसके सपोर्ट में था? शिवानी और कटारिया के स्पोर्ट में था गाइस। मैं थी शिवानी, कटारिया विशाल, मतलब हाँ विशाल की थोड़ी सी गलती थी वहाँ पे, थोड़ी सी थी ज्यादा, आधी थी कौन थी वो जो बाहर बोल रहे ना लिविंग एरिया में, वह चीज गलती उसकी। अरे बोल रहा था जो भी बोल रहा था गाइस, एग्जैक्ट मेरे भी याद को नहीं, जैसे उनके याद को नहीं, याद उसका पड़ी है उधर, ये इसका वो बुखार हो गया। तो गाइस चलते हैं, सारे गए मेरे, दादी भी जाओगी टब्बर के टोली लेकर और हम चलते। वो देखो हमारा मंदिर गाइस, चलो। तो गाइस यहाँ खड़े हैं अंधेरे में, मेरा भोला बना करे गाइस, मैं तो चप्पल काट रखे गाड़ी पह रही हूँ, मैं थोड़ा कड़ा काट डांगे, मैं उड़ी काट दी हो मंदिर आ रही और हमारा घर इतनी दूर का बात चला, तो मैंने चप्पल निकाल दी गाइस। अभी जा रही है भाई, आ जाओ भाई आ जाओ। तो गाइस इनकी बहसबाजी कौन चल दी है मंदिर में, आके भी लड़ाई करने लग रहे हैं। हमें आगे मंदिर में, मंदिर देख लो सजा रखे है, कल शिवरात्रि है। ये हमारे बालाजी महाराज की जय, जय श्री राम, जय हो मेरे बाबा बजरंग। तो गाइस यहाँ पर चौक है गांव का मंदिर में, हाँ ये कर लूंगी, ये भोलेनाथ जी का मंदिर है यहाँ पर, मैंने रील भी बनाई थी गाइस। तो अभी चलते हैं, मन लगा फोन पे लग गई बात करन, मन तो लग था। जय मटरो भगत नहीं की जय दे आई के नी मटरो सारा तो दिखा दिया, क्या बात है मटरो तेने भाई जितनी बार भी चक्कर लगाऊं दोनों हाथ के चक्कर लगाए करो, क्योंकि हमारे हाथों में हमारी किस्मत की रेखा है, क्या पता कौन से भक्त के हाथों पर शंकर भगवान की गणेश जी महाराज की नजर पड़ जाए और बेड़ा पार हो जाए। अगर चाहते हो कि बेड़ा पार हो जाए यहाँ बैठ कर कहते हैं कि जो नाच लेता है इस दर के आगे उसको नहीं नाचना पड़ेगा झूठे संसार के आगे। आप तो ऐसे खड़े हो जैसे इलेक्शनों में कोई कैंडिडेट आया हूं मैं और कमरा रैली में खड़े हो, इस तरह से नहीं भाई ना, इससे तो अच्छा बैठे अच्छे लगे। जिसने हाजिरी लगानी है वो जरूर बाबा के चरणों में बिल्कुल निष्काम भाव से भोले बाबा को मनाएगा। हम तो देवी है कोनी अपने दौरे की है, दूध दही का खाना यो मेरा हरियाणा। तो कैसे भोले बाबा को बुलाएंगे और क्या कहेंगे? वो बाबा आ जाने गेड़ा मार ले, बुलाओगे ना सारे मिलके ताली बजा के, प्यारी प्यारी जोरदार ताली बजा के, क्या कह रहा है? भोले दूध पाऊंगा मलाई मार के, दूध पाऊंगा मलाई मार के,
तुम्हें क्या बता दिया? कौन कौन याद करा बेटा? वही कौन था मेरा समझ में तो आवे ना आवे दुनिया याद करा शिवरात्रि की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज महाशिवरात्रि 2 अगस्त, तो सबसे पहला कमेंट में लिख दियो हर हर महादेव। तो गाइज रात ने जागरण में से आगे थे बट ब्लॉग मैं कौन बना पाई, बस जी कौन करे रात ने ताने मेरा। तो अभी मैं उठी हूँ, मैंने काम कुम कराया है, नहा धोकर तैयार होकर अब मैं जाऊँगी मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। तो यही पहरी है, मैंने सूट तो कौन डाला है, ये डाल ली कम्फर्टेबल से भी है, ये सूती सूती सुहाव है जमाया टी शर्ट जो है भोले बाबा की। तो फिर पड़ी तो थी, अंचल ने ले आई थी तो मैंने डाल लिया। तो अभी चलांगे जल चढ़ाने शिव जी शिव शंकर भोलेनाथ के अपने गांव वाले मंदिर में ही। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? तो ब्लॉग में बने रहना।
तो गाइस मैं चल पड़ी हूँ, मैंने मेरे लोटा ले लिया छोटी सी पानी जल का, गंगा जल का। तो गाइस मैं आ गई हूँ मंदिर में, जान लग रही हूँ और अभी कमी भीड़ है ज़्यादा, तो कमी देखो। तो मैं ब्लॉग कंटिन्यू कौन करूँ भाई, आगे मैंने सर माउंट सारक सामने। तो गाइस लंबी लाइन लग रही है, तो मैंने खड़ा रहना पड़ेगा लाइन में, देखते कितनी देर में बारी आवे। या पागी मैं इसे बुलाऊं थी, अंजलि दौर फोन करा था मैं, वो मानसी ने भेज दी, बोली को नहीं मैं ब्लॉग बना देगी, चल मेरे के लाइन में लग जा, ब्लॉग बना दिए मेरा ये तो बना लूंगा, आप पकड़ लेगी फोन, मैं तो मन में सब पकड़े कहीं जाऊँ। तो गाइस बारिश आ चुकी है, देख लो भैया शिवरात्रि वाले दिन तो क्या कर रहे हैं बेटे, देखो बारिश की वजह ना ले एंडी बारिश है, ओए मेरी वीडियो बना दे ले बोले बाबा, और नोने लगी बरसात मेरा नाम से बोला ना, बना दे ले, बना दे मेरी वीडियो ले, मैं ना हूं पजामा तो मैं उठ भी जूंगा ले, नहीं उठती, बना दे मेरी उड़ा बना दे। तो गाइस देख लो बारिश आ चुकी है और जा भी चुकी है, मतलब दो तीन मिनट का राम रोड़ा था यो, अभी हम जाओ गुड्डू और कगरा, अभी बिल्लू आया भजन ही करने लग रही थी, अब तो शायद रुक गई। आ ठंडी हवा चल रही है, मजे आ गए। तो गाइस गुड्डू और कार है, मटरों नेल पेंट लगाने लग रही है, मन्ने लगा ली उन्होंने नेल पेंट लगाना है। तो गाइस गुड्डू और कहा गए थे नेल पेंट नूल पेंट लगा ली, टाइम पास करना है और लोग बता देना भाई ये यहीं पे समाप्त करूँ, आगे हिम्मत को नहीं मेरी, हरदा को नहीं आगे कंटिन्यू करने की। तो अगला हरदा बोल देते हैं जैसे अपने, हाँ बिश्नो जैसे जो भी बोल कह दे कोई भी जो भी। तो गाइस कल का व्लॉग करेंगे, अब कंटिन्यू यहीं तक करना, यहीं तक लाइक कमेंट शेयर कर दो,
सब्सक्राइब कर दो और ब्लॉग का टॉपिक बोला था आपने तो वो जल्द से जल्द बताओ मैंने कौन से ब्लॉग के टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा। चलो बाय।